यहाँ लिख रहे हैं। और ये जो प्रीवियस क्लास में आप लोगों को वीडियो भेजा गया था उसमें मैंने सर ड्रॉइंग के पहले बार तक एक्सप्लेन कर दिया था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ा जा रहा है और बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बाद सर हमें इन हेडिंगों पर डिस्कस करना है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म के सर इन हेडिंगों पर हमें डिस्कस करना है। ठीक सर, पहली हेडिंग है ड्रॉइंग लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को सर दो पार्ट में डिवाइड करें, नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटी, क्लियर है। एंड देन सर एसेट्स, अभी बहुत सारे और हेडिंग हैं क्योंकि सर क्लास वाइज क्लास वाइज सर आपके पास वीडियो जाता रहेगा। केयरफुली आप सर वीडियो को देखें समझें और अपने क्वेश्चन सेंड करें, बिकॉज सर हम फेस टू फेस में डिस्कशन करें, हमारी जो डिस्कशन है सर वो फेस टू फेस नहीं है। तो आप मुझे अपने क्वेश्चन को सेंड करें तो उसको नेक्स्ट क्लास में सर उन पर डिस्कशन किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर डिस्कस अबाउट ड्रॉइंग। तो व्हाट डू मीन बाय ड्रॉइंग, व्हाट डू मीन बाय ड्रॉइंग सर, वी नो दैट इफ ओनर इन्वेस्ट ओन मनी इन टू दिस इज कॉल्ड कैपिटल। इफ ओनर इन्वेस्ट ऑन ओन मनी इन टू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अगर मालिक खुद का पैसा बिजनेस में लगाता है, अगर मालिक खुद का पैसा बिजनेस में लगाता है फिर उसकी कैपिटल कहेंगे। क्लियर मेरे को सर, ये हमें पिछले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक अपोजिट इफ ओनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इफ आवाज थोड़ी सी खराब जा रही होगी आप लोगों के पास भी गला बैठा होगा, ठीक है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा फिर आपको मल्टीपल जैसे मिल जाएगी। सर इफ ओनर ऑफ बिजनेस यू द अमाउंट ऑफ बिजनेस फॉर पर्सनल प्रॉफिट, इफ ओनर ऑफ बिजनेस यू द अमाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट इज फॉर मैंने सिंपल वर्ड यूज किया कि सिर्फ ऑनर ऑफ बिजनेस, सर हर बिजनेस का कोई ना कोई मालिक होगा। इफ यू द अमाउंट, इफ यू द अमाउंट और अमाउंट किससे रिलेटेड हो सर, रिलेटेड टू बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पज, यानी बिजनेस का पैसा मालिक पर्सनल पर्पज में यूज करें, दैट फॉर एग्जाम्पल के तौर सपोज आपके पेरेंट्स जो बिजनेस करते हैं, अभी सर स्कूल में एडमिशन हो रहा है फीस जमा करना, अभी स्कूल में एडमिशन हो रहा है फीस जमा करना, उन्होंने क्या किया कि सर इस जो बिजनेस का पैसा था, उन्होंने क्या किया जो बिजनेस का पैसा था सर उस अमाउंट से आपके स्कूल की फीस डिपॉजिट कर दी। बट सर ये स्कूल की फीस डिपॉजिट करना सर ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये सर मेरा पर्सनल वर्क है, ये ऑनर का पर्सनल काम है। तो सर ये जो पैसा इसका था रिलेटेड टू बिजनेस बट यूज इसके पर्पज से हुआ रिलेटेड टू ऑनर, यानी अमाउंट रिलेटेड टू बिजनेस बट यूज फॉर द पर्पज ऑफ और ऑनर। अगर ऑनर अपने पर्पज में बिजनेस का पैसा यूज करता है बेटर कॉल। अब सर ये कैश पे भी हो सकती है और ये क्रेडिट में हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज किसी किराने की दुकान है, तो सर उनके घर पे भी तो किराने को उठ सकते होंगे, उन्होंने क्या किया सर बिजनेस से अमाउंट नहीं लिखा होगा सर, अपने घर पे एक लिस्ट बनाई कि इतना हमें ये चीजें चाहिए और सर अपनी दुकान से उन सारे सामान को लेते हैं। आगे मेरे पास ये जो ड्रॉइंग कही जाएगी कैश ना करके क्या कही जाएगी, इन काइंड। तो ड्रॉइंग जो होगी सर कैश की होती होगी, काइंड की होगी। इफ अमाउंट यूज करें हम कैश यूज करें तो सर ये किसमें ड्रॉइंग कही जाएगी, कैश। और अगर सर ये पैसा, अगर ये पैसा अगर सर हम अपने सॉरी अगर सर इसे हम काइंड में लगाए, जैसे हमने गुड्स निकाल लिया कमोडिटी निकाली तो सर ये ड्रॉइंग किसमें कही जाएगी, काइंड में कही जाएगी। मेरी बात क्लियर, ये काइंड का डिफरेंस। अगर कैश विथड्रॉ होता है तो ड्रॉइंग इन कैश, अगर गुड्स विथड्रॉ होता है तो ड्रॉइंग इन काइंड, ठीक है। दोनों ही सर कैश एंड गुड्स सर ये किससे रिलेटेड होने चाहिए, बिजनेस और यूज किसके पर्पज होने चाहिए सर, ऑनर के पर्पज। अगर रिलेटेड है बिजनेस से और यूज हो रहे हैं ऑनर से तो सर इसके नाम क्या करेंगे, ड्रॉइंग। क्लियर मेरी बात। हम जितना लगाएंगे उतना हाल होगा, हम जितना लगाएंगे उतना हाल होगा, मीन्स सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंड।
अब सर फंड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं सर, एक रिलेटेड टू ऑनर होता है, एक रिलेटेड टू ऑनर होता है और एक अदर देन ऑनर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोर्ट से किसी बिजनेस को करने के लिए 10 लाख रुपए दिए होंगे, सपोर्ट डेट किसी बिजनेस को करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही, इतना मेरी बात क्लियर हुई, किसी बिजनेस को करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। सर ऑनर के पास कौन से अपना खुद का पैसा 4 लाख और सर इसलिए इस 4 लाख इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया। मैंने ये कहा कि सपोर्टेड से किसी बिजनेस का जो रिक्वायर्ड फंड है, रिक्वायर्ड फंड इज इक्वल टू ₹10। यानी कि सर बिजनेस को 10 लाख से स्टार्ट किया, क्लियर मेरी बात। अब सर इस 10 लाख की अरेंजमेंट में जो ऑनर है वो क्या, ऑनर ने ये देखा कि सर इस 10 लाख में 4 लाख, इस 10 लाख में 4 लाख सर ऑनर ने खुद अपना लगा, तो सर जो अपना पैसा था उसको क्या नाम दिया, खुद का पैसे को क्या कहते हैं, विच आर इन्वेस्टेड इन टू ऑनर सर खुद की अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करा गया इक्विटी इज कॉल्ड। क्लियर मेरी बात सर। अभी रिक्वायरमेंट 6 लाख और है सर, 6 लाख रुपया और चाहिए सर, ये कहाँ सर, सर हम कहीं से इसे ले रहे हैं, एग्जाम्पल अक्सर किसी बैंक से फाइनेंस ठीक। तो मैंने ये आपसे कहा कि सपोर्ट से ये 4 लाख रुपये ऑनर के पास कितना था, सर उसको इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो जो खुद का पैसा इन्वेस्ट किया सर वो कैपिटल हो गया, लेकिन सर 6 लाख रुपये की और रिक्वायरमेंट है, 6 लाख रुपए की और रिक्वायरमेंट सर ये कैसे पूरा होगा, ये कहां से लेकर आएंगे, तो सर इस 6 लाख के लिए, इस 6 लाख के लिए सर हम किसी ना किसी फाइनेंशियल रिसोर्सेस की अरेंजमेंट करेंगे। सपोज सर मैं किसी बैंक से फाइनेंस करा लेता हूँ लोन, या सर मैं किसी अपने फ्रेंड से लोन करा लेता हूँ उससे पैसा लगाया सर बिजनेस, यानी कि सर अमाउंट रिलेटेड टू अदर, ऐसा पैसा जो दूसरे से मिला बट इन्वेस्टेड इन ओन बिजनेस, मेरे खुद के बिजनेस में इट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। यहां से दूसरों का पैसा जो बिजनेस में ना लगाकर बिजनेस कर लो, इट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। मीन्स सर ये एक चिंता है, किस बात की चिंता है सर, इसे देना चिंता, यहां से मेरी बात हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, चिंता मतलब सर आप इसकी रीपेमेंट कर रहे हो, रीपेमेंट इन फ्यूचर आप इसको वापस पेमेंट करने की लायबिलिटी है आपके पास, और जो खुद का पैसा है सर इसको लेकर रीपेमेंट की लायबिलिटी नहीं आपके पास, ये आप कभी भी बिजनेस में रखेंगे, लेकिन ये पैसा सर एक टाइम ऐसा है जब आपको क्या करना पड़ेगा सर, रिफंड करना पड़ेगा वापस करना पड़ेगा, जब वापस करना पड़ेगा तो सर ये ऊपर क्या है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी है कैसे लगेगा, तो सर मैंने वो कहा डेट फंड विच आर रिलेटेड टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर ऑर्गेनाइजेशन सर बैंक हो सकता है, सर्किल हो सकता है, अपने खुद के पेरेंट्स से मैं पैसा लेकर लगा सकता हूँ बिजनेस में, बट इन्वेस्टेड इन ओन बिजनेस, लेकिन सर मेरे खुद के बिजनेस में लगा हुआ इसी को क्या नाम क्लियर मेरे को। एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ करंट सर, नॉन करंट एंड करंट, नॉन करंट एंड करंट, इतना तो क्लियर है कि पार्ट ऑफ लायबिलिटी, इतना तो क्लियर है कि सर इट इज पार्ट ऑफ लायबिलिटी, यानी कि सर नॉन करेंट एंड करेंट। अब सर लायबिलिटी है इसका मतलब सर दूसरों से रिलेटेड पैसा बिजनेस में लगा हुआ, लायबिलिटी है तो दूसरों से रिलेटेड पैसा बिजनेस में लगा हुआ। अब सर कब इसे नॉन करेंट कहेंगे, सर इसे नॉन करेंट उस टाइम कहा जाएगा, इसे सर नॉन करेंट उस टाइम कहा जाएगा जब पेमेंट मोर देन 1 ईयर, यानी एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर, अगर पेमेंट की डेट आफ्टर 1 ईयर हो तो सर पेमेंट ये क्या लगेगा नॉन करेंट एंड करेंट लगेगा, विच आर पेड विद इन ईयर, जो साल के अंदर पे करेगा। अब साल कब से लेगा सर, आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू 31 मार्च, विद इन करेंट ईयर पेमेंट करते हैं इट इज कॉल्ड करेंट पेमेंट, आफ्टर करेंट ईयर पेमेंट करेंगे सर नॉन करेंट। क्लियर मेरी बात ठीक है, रहने में आवाज बैठी हुई है ऐसे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ठीक, थोड़ा सा पढ़ें उसके बाद से बात करें।